हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको ANM को लेकर बड़ी अपडेट देने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने मंगल पांडे जी का बयान सुने भी होंगे कि ANM की बहाली की जो प्रक्रिया है, जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, वो शुरू किए जाएंगे। और कब से शुरू किए जाएंगे, इस पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और जैसे कि अब आप लोगों के बहाली की प्रक्रिया में क्या कोई बाधा आएगा या नहीं आएगा, तो इन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और जैसे कि 32,000 जो ANM बहने हैं, उनके लिए खुशखबरी भी कह सकते हैं। यदि काउंसलिंग शुरू किया जाता है तो ये आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी होंगे। लेकिन यदि हम वही बात करें जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस दर्ज किया गया है, तो उसे भी हम लोग नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाल ही में 7 जून को यदि हम बात करें तो यूपी के जो एक JEE का वैकेंसी थे, उसमें इसी तरीके से हुआ था। एक केस में इसी तरीके से केस हुआ था, उसमें BTEC और डिग्री और डिप्लोमाधारी के बीच केस था, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने बयान दिया था। और हाई कोर्ट का निर्देश था कि सिर्फ डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल होंगे। तब डिग्री वालों ने सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन वहाँ का बयान, केस चल ही रहा है, लेकिन वहाँ से उन्होंने नोटिस जारी कर दिया कि ये भी अप्लीकेबल होंगे डिग्री वाले भी। तो जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएंगे तो इस पर मंत्री जी या कोई आयोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों के लिए बड़ी बात है। और ऐसे में यदि आप लोगों के लिए अगर कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश आते हैं तो वो भी जानकारियाँ हम आपको देंगे। मंगल पांडे जी क्या कुछ कहे वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप लोगों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो नई बहाली आई है उसके लिए आप लोग तैयारी में लग जाए। मात्र 4 महीना में आपको जॉब मिल जाएगा, क्योंकि इसमें क्या कुछ होगा ये किसी को नहीं पता है। BTSC ANM में क्या होंगे, लेकिन जो नई बहाली है उसमें सिर्फ 4 महीना का समय दिया गया है और इलेक्शन भी नज़दीक है, तो इतने समय में सारा कुछ करे भी जाएंगे। तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके, कॉल करके क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। 100% आपका एग्ज़ाम निकलेगा। ANM की सारी नोट्स PDF आपको मिल जाएंगे। यदि आप चाहते हैं 2024 में ANM की नौकरी लेना, तो आप लोग ज़रूर क्लास ज्वाइन करिए। तो चलिए हम लोग मंगल पांडे जी का बयान भी सुन लेते हैं। और आज भी अपने वायदे हमें याद हैं, अपने कर्तव्य हमें समझ में आता है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में NDA की 2020 में जब सरकार बनी, तो हम लोगों ने आत्मनिर्भर बिहार के जो संकल्प तैयार किए थे, उसमें 10 लाख रोजगार और नौकरियां देने की बात हम लोगों ने की थी। 75-80% हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। आगे जो 1.5 साल का लगभग कार्यकाल बचा हुआ है, उस कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार बाकी जो विभिन्न विभागों में रिक्तियां हैं, उन रिक्तियों को भरने का काम हम करेंगे। और मैंने कल से, जैसे ही आचार संहिता समाप्त हुआ है, मैं स्वयं से इस काम में लग गया हूँ। अपने स्वास्थ्य विभाग और कृषि विभाग की हमने समीक्षा की है। इन विभागों के अंदर जो रिक्त पड़े हुए पद हैं, उन पर नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू करने का निर्देश दिया है। काम भी आज से स्वास्थ्य विभाग में जो कागज और फाइल तैयार करना होता है, वो सारे चीज़ें शुरू हो गए हैं आज से। इसमें हम बड़ी संख्या में ANM, GNM, पैरामेडिकल स्टाफ्स, जनरल मेडिकल ऑफिसर, स्पेशलिस्ट मेडिकल डॉक्टर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, ऐसी सारी जो नियुक्तियां हैं, चाहे NHM के तहत बहुत सारी नियुक्तियां हैं, उन सारी नियुक्तियों को हम पूर्ण करने जा रहे हैं। उसी प्रकार से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी विभिन्न कोटि के और विभिन्न संवर्ग के जो पद खाली पड़े हुए हैं, उन पदों को भरने हेतु प्रक्रियाओं को शुरू करने का निर्देश हमने दिया है। और मुख्यमंत्री जी ने सभी